नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हॉकफीड न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ वेदिशा। दोस्तों, हॉकफीड न्यूज़ की खबर का एक बड़ा असर हुआ है जहां त्रिपुरा में एक शादी के पंडाल में घुसकर लोगों से बदसलूकी करने वाले डीएम शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि मैरिज हॉल में शादी की पार्टी चल रही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा था। शादी के समारोह में तय सीमा से ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद देर रात तक पार्टी चल रही थी। इसी बीच वहां डीएम शैलेश यादव पहुंच गए। कोरोना दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ती देख उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान शादी में मौजूद बैंड वालों को भगा दिया गया। मौके पर कुछ पुलिस कर्मियों को देख डीएम साहब का गुस्सा और बढ़ गया। डीएम ने मौके से ही आला अधिकारियों को फोन मिलाकर उनसे बात की। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की भी बात कही। डीएम के आदेश पर दुल्हा दुल्हन समेत अन्य बारातियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही मैरिज हॉल को भी सील कर दिया गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से शादी के पंडाल में उपस्थित महिला ने अफसर को परमिशन दिखाई, लेकिन ऑफिसर ने अपनी पावर के सामने उस परमिशन को शायद कुछ नहीं समझा और परमिशन के उस लेटर के टुकड़े कर महिला पर ही उछाल दिए। इतना ही नहीं, शादी करवाने आए पंडित पर भी ऑफिसर ने हाथ उठाया। पंडाल में मौजूद मेहमानों से भी दुर्व्यवहार किया गया, लेकिन ये सब करना अब खुद ऑफिसर को ही भारी पड़ गया है। जी हाँ, डीएम शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।